हेलो दोस्तों, न्यू ड्रामा पिस्वा चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई में आने वाले सभी कोरियन ड्रामा के लिस्ट के बारे में। यानी आज के इस वीडियो में हम बताएंगे एमएक्स प्लेयर एंड हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर इस जुलाई मंथ में कौन कौन से न्यू कोरियन ड्रामा आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। एंड आगे हम बताएंगे ये ड्रामा कौन कौन से होने वाले हैं एंड ये सभी ड्रामा किस डेट को रिलीज होंगे हिंदी में, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पे जो ड्रामा आता है उसका नाम है ए मैन इन अ वेल। इस ड्रामा में आपको कॉमेडी ड्रामा रोमांस देखने को मिलेगा। इस ड्रामा की नंबर ऑफ एपिसोड की बात कर ले तो इसमें आपको 105 एपिसोड देखने को मिलेगी, लेकिन एमएक्स प्लेयर पर इस ड्रामा के 105 से कुछ कम ही एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिनकी लेंथ आपको थोड़ी बढ़ाकर प्रेजेंट की जाएगी। माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 10 में 7.3 की एक अच्छी रेटिंग दी है। एंड ये ड्रामा आपको 6 जुलाई से एमएक्स प्लेयर पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। नंबर दो पर जुड़ा हुआ था उसका नाम है रेन और साइन। इस ड्रामा आपको कॉमेडी ड्रामा रोमांस एंड थोड़ा इमोशनल टाइप ड्रामा देखने को मिलेगा। इसकी आईएमडीबी में रेटिंग की बात कर ले तो इसमें आपको 10 में 7.3 की एक अच्छी रेटिंग देखने को मिल जाएगी। एंड माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 10 में 7.6 की एक अच्छी रेटिंग दी है। इस ड्रामा की नंबर ऑफ एपिसोड की बात कर ले तो इसमें आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे। एंड ये ड्रामा आपको 7 जुलाई से डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। इस ड्रामा के एपिसोड आपको वीकली देखने को मिलेंगे। नंबर थ्री पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है फैंटास्टिक। इस ड्रामा आपको कॉमेडी ड्रामा रोमांस देखने को मिलेगा। इस ड्रामा की आईएमडीबी रेटिंग की बात कर ले तो इसमें आपको 10 में 7.3 की एक अच्छी रेटिंग देखने को मिल जाएगी। एंड इस ड्रामा के नंबर ऑफ एपिसोड की बात कर ले तो इसमें आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे। एंड ये ड्रामा भी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। रिलीज डेट की बात कर ले तो ये ड्रामा भी आपको 7 जुलाई से इस ड्रामा के एपिसोड देखने को मिलेंगे वीकली बेसिस पर। नंबर फोर पर एक चाइनीज ड्रामा आता है जो कि आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है इंटेंस लव। इस ड्रामा में आपको कॉमेडी ड्रामा रोमांस देखने को मिलेगा। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात कर लेते इसमें आपको 10 में 7.3 की अच्छी रेटिंग देखने को मिल जाएगी। इस ड्रामा की नंबर ऑफ एपिसोड की बात कर लेते इसमें आपको 24 एपिसोड देखने को मिलेगी। एंड माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 10 में से 8.3 की अच्छी रेटिंग दी है। एंड ये ड्रामा आपको हिंदी में एमएक्स प्लेयर पर देखने को मिलेगा। रिलीज डेट की बात कर ले तो ये ड्रामा आपको 13 जुलाई से देखने को मिलेगा एमएक्स प्लेयर पर। नंबर फाइव पे जुड़ा ड्रामा आता है उसका नाम है अनटचेबल। इसमें आपको रोमांस एक्शन एंड थ्रिलर देखने को मिलेगा। इसके आईएमडीबी रेटिंग की बात कर ले तो इसमें आपको 10 में 7.4 की एक अच्छी रेटिंग देखने को मिल जाएगी। एंड माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 10 में से 7.4 की एक अच्छी रेटिंग दी है। एंड इस ड्रामा के नंबर एपिसोड की बात कर ले तो इसमें आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे। एंड ये ड्रामा आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। रिलीज डेट की बात कर ले तो ये ड्रामा आपको 14 जुलाई को देखने को मिलेगा डिजनी प्लस हॉटस्टार पर। नंबर सिक्स पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है रीमैरिज एंड डायरीज। इस ड्रामा को कॉमेडी रोमांस थ्रिलर एंड रिवेंज देखने को मिलेगा। ये ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। रिलीज डेट की बात कर ले तो ये ड्रामा आपको 15 जुलाई से। नंबर सेवन पे जो ड्रामा आता है उसका नाम है लाइट ऑन मी। इस ड्रामा में आपको कॉमेडी ड्रामा रोमांस एंड एक बॉय लव की स्टोरी देखने को मिलेगी। इस ड्रामा की नंबर ऑफ एपिसोड की बात कर ले तो इसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेगी। एंड इस ड्रामा की आईएमडीबी रेटिंग की बात कर ले तो इसमें आपको 10 में से 8.3 की एक अच्छी रेटिंग देखने को मिल जाएगी। एंड माई ड्रामा लिस्ट ने इसे भी 10 में से 8.3 की अच्छी रेटिंग दी है। एंड ये ड्रामा आपको एमएक्स प्लेयर पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। रिलीज की बात करें तो ये ड्रामा आपको 20 जुलाई को देखने को मिलेगा हिंदी के साथ आपको मल्टीपल लैंग्वेज में एमएक्स प्लेयर पर। एंड 20 जुलाई के बाद आपको 27 जुलाई को एक न्यू ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि आपको एमएक्स प्लेयर पर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी उस ड्रामा की नेम बताने के लिए परमिशन नहीं मिली है, तो मैं उसे अब आगे बताऊँगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये थी सभी कोरियन सीरीज जो कि आपको हिंदी में एमएक्स प्लेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर इस जुलाई में देखने को मिलेगी। वीडियो कैसी लगी एंड इन सभी ड्रामा को लेकर के आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं देखने के लिए कमेंट में सब कुछ ज़रूर बताना। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।